हाय एवरीवन दिस इज़ वरानी आज का टॉपिक हमारा चाइना के चेंग ई फाइव पे है जिसको मून पे भेजा गया था ये एक मून मिशन था और वहाँ से ताकि जब ये वापस आए मून से सैंपल्स लेके आए और दिसंबर में चांगी वापस भी आ गया और 1731 ऑलमोस्ट अगर राउंड अप करें तो टू ग्राम्स आप कह सकते हैं टू थाउजेंड ग्राम्स आप कह सकते हैं सैम्पल्स जो हैं मून से वो वापस लेके आया तो डिटेल में इसके बारे में जानेंगे और जानेंगे और कौन से मून मिशंस चल रहे हैं कितनी कंट्रीज़ आज तक मून पे जिन्होंने अपने मिशंस भेजे और वो सक्सेसफुल रहे ये हम डिटेल में बात करेंगे आ, बाकी ये मैं बता दूं कि अभी तक तीन कंट्रीज़ हैं जो सक्सेसफुली मून से मून पे मिशन उन्होंने कंप्लीट किए हैं वो कौन से देश हैं आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं बाकी हम तो डिस्कस करेंगे ही और क्या इंडिया उसका पार्ट है इंडिया ने ऐसा सक्सेसफुल मिशन किया है ये आपके लिए सवाल है एंड आई होप इन द एंड आप बता पाएंगे Uh, देखिए आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज आई फील टू क्या तो वी कैन मेक ह्यूज डिफरेंस चाहे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम uh, पे पी आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा और ट्विटर मेल कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं अब हम चाइना के चांग ई प्रोब के बारे में बात करेंगे जो सक्सेसफुली अर्थ पे आया और टू बी प्रोसाइज 1731 ग्राम्स के जो सैंपल्स हैं मून के रॉक का वो लेके आया है ये जो सैंपल्स हैं चाइनीज़ रिसर्च टीम्स को दे दिए गए हैं इस पर अध्ययन करने के लिए कि देखें और क्या सिग्निफिकेंस है ये मैं आपको आगे बताऊंगी अब ये जो कैप्सूल है चांग ई फाइव प्रो ये कहाँ पे वापस इंडिया पे लैंड किया इनर मंगोलिया का जो ऑटोनॉमस रीजन है वहाँ पे ये लैंड किया लास्ट में पैराशूट से ये नीचे उतरा है ज़मीन पे और सैंपल्स ये लेके आया है और टीम्स चाइना की रिसर्चर्स जो टीम है वो एकदम वहाँ पे पहुँच गई तो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं चांग ई मिशन काफ़ी सक्सेसफुल रहा ये चाइना का थ्री स्टेप लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम था लूनर वर्ड हम मून के लिए यूज़ करते हैं और यहाँ पे ऑर्बिटिंग लैंडिंग सब सक्सेसफुल रहा और ये सैम्पल्स का जो इनका ये पूरा मिशन है ये ऑलमोस्ट इस तरह का मिशन इन्होंने 2004 में मून मिशन अपने शुरू किए थे लेकिन ये कंट्री का पहला अटैम्प्ट है कि मून सैम्पल्स ये वापस लेके आए फोर्टी ईयर्स के बाद देखिए फोर्टी ईयर्स पहले यू और रशिया इस तरह के अटैम्प्ट करते थे एस्ट्रोनॉट्स को मून पर भेजा जाता था सैम्पल्स कलेक्ट करने के लिए उसके बाद सोवियत यूनियन ने अनमैन्ड लूनर सैम्पलिंग मिशंस जो हैं वो किए और स्पेस क्राफ्ट जो है मून में आया और वापस अर्थ में डायरेक्टली लैंड हुआ तो 40 इयर्स के बाद चाइना ने सक्सेसफुल ये अटेम्प्ट किया है अब चांग ई5 जो प्रोब है उसमें क्या-क्या है आप देख सकते हैं एक तो इसमें ऑर्बिटर है लैंडर है असेंडर है और रिटर्नर है ऑर्बिट आपका हेल्प करेगा ऑर्बिट लेने में लैंडर लैंडिंग में असेंडर वापस उठने में ऊपर और रिटर्नर वापस इंडिया में आएगा ओके तो ये ट्वेंटी फोर्थ नवम्बर को ये प्रोब जो है इन्होंने आसमान में भेजा नवंबर ट्वेंटी फोर्थ को ये प्रोग्राम जो है इनका लॉन्च हुआ लैंडर और असेंडर का कॉम्बिनेशन था और ये कहाँ भेजा मून पे जैसे अगर आप मून देखेंगे अर्थ की ओनली सैटेलाइट है नॉर्थ वेस्टर्न साइड मून के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में जहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलनोज़ आती हैं ये माना जाता है कि बहुत वालकेनोज़ इरप्ट होती हैं इस एरिया में मॉन्स रुमकर ये एरिया है मून का जहाँ पे इसको भेजा जिसको ओशन ऑफ स्टॉम्स भी कहा जाता है वॉलनो की वजह से नियर साइड है ये मून की तो वहाँ पे इन्होंने इस प्रोब को भेजा और यहीं से सैंपल कलेक्ट के आए अब चैंग ई प्रोब जो है इसको इसका नाम किस पे रखा गया एक है मिथिकल चाइनीज मून गॉडेस है मून की देवी उन पे इसका नाम उन्होंने रखा चैंग और मेन इसका यही था कि रॉक्स और सॉइल ये लेके आएगा फिर साइंटिस्ट उसको रीड करेंगे मून का ओरिजिन स्टडी करेंगे फॉर्मेशन स्टडी करेंगे वॉल्केनिक एक्टिविटी उसकी सरफेस पे कितनी होती है ये सब स्टडी किया जाएगा क्योंकि इससे पहले जो हमारे पास मून के सैंपल्स आए थे वो हमने देखा था थ्री टू फोर बिलियन ईयर्स पुराने थे uh, अब ये जो सैम्पल हैं ये ऐसा सस्पेक्ट किया जा रहा है जब तक हमारे पास एकदम रिसर्च हो के नई स्टडीज़ आती तो इन्होंने अनुमान लगाया था 1.3 टू 1.5 बिलियन पुराने सैंपल्स ये लेके आएगा जिस एरिया में इसको भेजा जा रहा है मिशन का यही मेन मकसद था कि जिस एरिया में इसको भेज रहा है ये डिग करे और वहाँ से हमारे लिए सैम्पल्स लेके आए एक लूनर ये मिशन ऑपरेट करेगा वन लूनर डे यानी दो हफ्ते लंबा ये मिशन इन्होंने बनाया था इस तरह से डिजाइन किया था ये जो ओरिजिनल मिशन है इन्होंने इसको प्लान 2017 में किया था लेकिन वो डिले हो गया क्योंकि इंजन फेलियर हो गया था चाइना के लॉन्ग मार्च का जब जिसके थ्रू ये जो लॉन्च रॉकेट जो इसका था उसके इंजन में कुछ फेलियर हो गया था तो ये मिशन हम नहीं जो चाइना है वो नहीं भेज पाया लेकिन फाइनली ये लॉन्च किया गया लॉन्ग मार्च फाइव वाई फाइव रॉकेट जिसका जिसपे आपका ये स्पेस क्राफ्ट था चांग ई फाइव और ये फाइनली लॉन्च किया गया है चाइना के किस एरिया से वेन चांग स्पेस लॉन्च सेंटर जो चाइना का है इसका नाम आप याद रख सकते हैं यहाँ से इसको भेजा गया था की टास्क क्या था कि जब ये लैंड करेगा मून पे ये प्रोब स्पेस क्राफ्ट दो मीटर जो मून की सरफेस है जो क्रस्ट रहेगा उसमें दो मीटर नीचे जाके ये ड्रिल करेगा वहाँ से अराउंड दो के जी रॉक्स जो हैं या जो भी डेवरीज वहाँ पे होंगी उसको वापस अर्थ पे लेके आएगा ये इसका मेन इसको जो टास्क है वो ये दिया गया था अब इस टास्क से फ़ायदा क्या है कि मून कितना पुराना है वैसे तो बहुत सारे थियोरीज हैं लेकिन इस पर थोड़ा और स्टडी की हो जाएगी और उसके बाद ये वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन अर्थ के लिए और अर्थ की और मून की शेयर्ड हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है साइंस एस्ट्रोनॉमी, मून की एज फॉर्मेशन सिमिलैरिटीज़ डिफरेंसेस, अर्थ मून जियोलॉजिकल फीचर इन सब को लेकर हमको कुछ नई डिस्कवरी मिले और चाइना सोच रहा है कि बाकी कंट्रीज़ के साथ भी इसके सैम्पल्स जो हैं वो शेयर करेगा तो इन शॉर्ट आप देख सकते हैं मून ओरिजिन, रिजन एक्टिविटी मून का सरफेस कैसा है उसका इंटीरियर कैसा है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्योंकि देखिए इसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जो लाइफ को वहाँ पे प्रोटेक्ट करे सन्स की रेडिएशन से तो उसके सिवाय वहाँ पे किस तरह का एटमॉस्फेयर रहता है किस तरह से रॉक्स जो हैं वो डेवलप हुए हैं ये सब स्टडी की जाएगी अब देखिए चाइना के मून मिशंस के बारे में कि मून पे कैसे मिशंस गए हैं फर्स्ट लूनर लैंडिंग चाइना ने मून पे कब की थी टू में उसके बाद जनवरी 2019 में चैंग ई फोर जो था वो फार साइड जो डार्कर साइड है मून की क्योंकि आपको पता है अर्थ को जब मून फेस करता है एक तरफ से फेस करता है दूसरी तरफ डार्क होता है तो डार्कर साइड पे भेजा गया था चाइना इस तरह का पहला नेशन था जो डार्क साइड पे मून को टारगेट कर रहा था स्पेस प्रोब राइट और ये जो चैंग है आप देख सकते हैं कि ये एक सीरीज़ ऑफ़ प्रोब्स हैं जिसे रशिया जब भेजता है वो लूना बोलता है अपने सारे मिशन को ऑलमोस्ट उसका नाम एल यू एन ए लूना रखा जाता है और यहाँ पे ये एक सीरीज ऑफ प्रोब्स हैं चाइना के जो स्पेस uh, एडमिनिस्ट्रेशन उसकी भेजती है उसका नाम चैंग सीरीज़ इस तरह से रखा गया है अब बाकी इम्पॉर्टेंट मिशन मून के लिए कौन से हैं तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे यूएई का मिशन मून पे जो जाने वाला है शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतम हु इज़ ऑल्सो द रूलर ऑफ़ दुबई उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि हम प्लान कर रहे हैं एक अनमैंड मिशन स्पेस मिशन मून पे भेजने का अनमैंड यानी यहाँ पे कोई एस्ट्रोनॉट्स नहीं रहेंगे रोबोटिक सिस्टम रहेगा इन्होंने टू के लिए प्लान किया है अब ये जो रोवर है उसका नाम रखा जाएगा रशीद और ये उनके जो फादर हैं जो गुजर गए हैं उनके नाम पे इस मिशन का नाम रखा जाएगा अगर ये सक्सेसफुल रहा 2024 में तो यू फोर्थ नेशन बन जाएगा अर्थ पे इससे पहले तीन नेशंस हैं जो मैंने आपसे शुरू में सवाल पूछा था कि वो तीन देश कौन से हैं खैर अभी उनका नाम आ ही जाएगा यहाँ पे ये फोर्थ नेशन बन जाएगा अर्थ पे जिसने अपना स्क्रेफ स्पेस क्राफ्ट मून पे उतारा है यू एस सोवियत यूनियन और चाइना के बाद अब सोवियत यूनियन तो ब्रेक हो गया राइट right? अब इंडिया हैज़ ट्राइड एंड फेल्ड टू लैंड अ स्पेस इंडिया ने कोशिश की लेकिन हम उसमें सक्सेसफुल नहीं रहे इसराइल और जापान भी सक्सेसफुल नहीं रहे इसलिए आप देखिए ये याद रख सकते हैं यू ए राशिद नाम का एक मिशन जल्द ही करने वाला है और उसके बाद ये फोर्थ नेशन बन जाएगा कहाँ पे मून की सतह पे उतरने वाला उसके बाद ये जो स्पेस क्राफ्ट है इसको जितने भी अमीराती इंजीनियर्स और रिसर्चर्स हैं वो बनाएंगे साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स इस मिशन के क्या रहेंगे जो इन्होंने 2024 के लिए डिसाइड किए हैं कि लूनर साइ सॉइल मून पे जो सॉइल है वो किस तरह की है उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं ये लोग उस पर रिसर्च करेंगे और वहाँ से इमेज़ कलेक्ट करेंगे उनको वापस वहाँ से अर्थ से सॉरी मून से अर्थ पर भेजेंगे और मिशन यहाँ पे मटेरियल साइंस रोबोटिक्स मोबिलिटी टेक्नोलॉजी सब चीज़ें यहाँ पे टेस्ट की जाएंगी। ये यू की बात हो गई और अपकमिंग मिशन देखिए नासा का अर्थमस मिशन है एक अर्थमस एक्सेलरेशन, रिकनेक्शन टर्बुलेंस इलेक्ट्रो मून इंटरेक्शन विद द सन इस ये चीज़ें ये लोग पढ़ेंगे ये नेक्स्ट मिशन है नासा का मून पे इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जब सन की रेडिएशंस मून के सरफेस पे पड़ती हैं और वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तो किस तरह की इंटरेक्शंस होती हैं ओके okay? तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है इस तरह से आप देख सकते हैं मून की जो सरफेस है वो कुछ दिखती है और वहाँ से अर्थ ऐसा दिखता है अब देखिए अर्थमेस वन जो डिसाइड किया जा रहा है इसको 2021 में ये लॉन्च करने की सोच रहे हैं यानी इसी साल एक अनक्रूड फ्लाइट रहेगी जो स्पेस लॉन्च सिस्टम और ओरियन स्पेसक्राफ्ट यहाँ पे देख रहे हैं इन्वॉल्व होगा इसमें अर्थमेस टू में फर्स्ट क्रूड फ्लाइट रहेगी यहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स भी ये लोग भेजने का प्लान कर रहे हैं लेकिन इसको 2023 के लिए रखा गया है मून मिशन अर्थमस थ्री यहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स को मून पे उतारेगा साउथ पोल जो साउथ पोल है मून का वहाँ पे उतारेगा 2024 में तो नासा ये तीन मिशंस जो है उसको प्लान कर रहा है उसके बाद देखिए यूएस ने ऑलरेडी लोगों को स्पेस में एज अर्ली एज़ 1961 में स्पेस में भेजना शुरू किया एट इयर्स लेटर ट्वेंटी जुलाई 1969 में आपने देखा नेल आम स्ट्रॉन्ग विद एडविन बज एल्ड्रिन बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू स्टेप ऑन द मून पहले लोग थे जो मून पे उतरे नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऑफ कोर्स पहले थे ये मून का जो मिशन था अपोलो 11 मिशन इसको बोला जाता है और इसमें जो इनका पर्पज़ था स्पेस एक्सप्लोरेशन वो पहले से ही शुरू है कि मून पे पिक्चर्स आती रहे अमेरिकन अमेरिका America क्या चाहता था अपनी स्पेस लीडरशिप को सेट करना चाहता था कि वैसे भी uh, हर किसी को तो यू से बुल करता रहता है डोमिनेट करता रहता है तो स्पेस में भी अपना डोमिनेशन वो चाहता था अपने यूएस ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट के साथ साथ उसके बाद देखिए एक और मिशन है बैरिशीट टू अब रिसेंटली इसराइल भी क्योंकि फेल हुआ है अपने पुराने मिशन में उन्हें बैरिशीट टू प्रोजेक्ट शुरू किया है ये भी एक अनमैंड क्राफ्ट जो है मून पे भेजेंगे और डेट इन्होंने रखी है टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर और इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है इसको लॉन्च किया गया है क्योंकि पहले जो इनका जैसे मैंने आपको बताया एक मिशन था बैरिसशीट का वो क्रैश हो गया था मून के सरफेस पे और फर्स्ट बैरिसशीट जो था नेसिज स्पेस क्राफ्ट जिसको स्पेस आयल ने बनाया था स्टेट ओन्ड था इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ उसका इंजन फेलियर हो गया था जब वो लैंड कर रहा था क्रैश हो गया एब्रप्टली मून के सरफेस में तो अल्टीमेटली फेल हो गया ऑब्जेक्टिव इनका यही है बैरसशीट को लेकर कि एक्सपेरिमेंट किया जाएगा uh, जो डेबरीज हैं डेटा है वो कलेक्ट किया जाएगा ऑन बिहाफ ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स और उसके साथ साथ दो लैंडिंग क्राफ्ट और एक ऑर्बिटर जो है मून पे फॉर ईयर जो चक्कर काटता रहे इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं वो इस तरह का बनाया गया है कॉस्ट इसकी डिसाइड हुई है हंड्रेड मिलियन डॉलर्स जिसको इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स और डोनर्स के थ्रू Uh, इन्होंने कलेक्ट किया है सिग्निफिकेंस यही है कि इसराइल अगर ये इसराइल पहले कर लेता है तो वो फोर्थ नेशन बन जाएगा जो यू uh, एस और सोवियत uh, यूनियन और चाइना के बाद जो कि मून पे अपना स्पेसक्राफ्ट लैंड करवाएगा अब नेक्स्ट है चाइना का लूना ट्वेंटी रशियन स्पेस एजेंसी रॉसकॉम्स उनकी एजेंसी का नाम है रॉस्कॉम्स ये भी आप याद रख सकते हैं ये अपना मिशन लॉन्च करना चाहती है लूना 24 अक्टूबर फर्स्ट 2021 इन्होंने स्पेसिफिक डेट भी बताई है जो मून का आईसी साउथ पोल है ये सब लोग साउथ पोल को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि अभी तक मून के साउथ पोल पे कोई नहीं गया इंडिया ने भी साउथ पोल पे टारगेट किया था लेकिन हम लोग भी वहाँ पे फेलियर रहा तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को लिया जा रहा है कि जो वाटर अगर है साउथ पोल पे मून के ऐसा बोला जाता है उसको ये कलेक्ट करने की बात कर रहे हैं उस पर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेंगे लास्ट स्पेस जो रशिया ने मून पर भेजा था लूना ट्वेंटी वो अगस्त 1976 में लॉन्च किया था तो उस टाइम रशिया रशिया नहीं था सोवियत यूनियन था बाद में आप जानते हैं ये ब्रेक हो गया तो जब एज़ सोवियत यूनियन इन्होंने मिशन भेजा था अभी तक नहीं भेजा उसके बाद अब ये लूना 25 ट्राई कर रहे हैं लूना 25 जो है एक लैंडर होगा इसमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव लूना का है टू प्रूव लैंडिंग टेक्नोलॉजी ये लैंडिंग टेक्नोलॉजी को प्रूव करना चाहते हैं इसलिए ये मिशन इन्होंने तैयार किया है और ये थर्टी किलोग्राम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी यहाँ पे लेके जा रहे हैं जैसे कि रोबोटिक आर्म हो गई ड्रिलिंग हार्डवेयर हो गया सॉयल सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए एग्जोस्फेयर जो है साउथ पोल के आगे पीछे मून के ये उसको स्टडी करेंगे आज तक किसी भी स्पेस ने इस रीजन के मून पर नहीं किया बट काफ़ी कंट्रीज जैसे मैं आपको बता रही हूँ साउथ पोल पर लैंड करने की कोशिश कर रही हैं अब ई का जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उसका लूना 25 में क्या रोल है वो इसका पैकेज डेवलप कर रहे हैं कॉल्ड प्रोस्पेक्ट फॉर लूना ट्वेंटी फाइव जिसको लूना ड्रिलिंग और सैम्पल एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाएगा प्रोस्पेक्ट इज़ पैकेज फॉर रिसोर्स ऑब्जर्वेशन एंड इन सितू प्रोस्पेक्टिंग फॉर एक्सप्लोरेशन तो लूना ट्वेंटी फाइव जो रशिया का है उसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी हेल्प इनकी कर रही है जो भी वहाँ से सैम्पल कलेक्ट किए जाएंगे या एक्सप्लोरेशन की जाएगी मून के सरफेस पर तो अब हम बात करेंगे इंडिया की कि इंडिया का क्या प्लान है मून पे लैंडिंग का तो लेट्स सी अब नाम जैसे सजेस्ट करता है चंद्रयान थ्री ये सक्सेसर है चंद्रयान टू का अब जो चंद्रयान दो था वो हमको पता है कि सक्सेसफुली लैंड नहीं कर पाया है मिशन तो अब हम एक और सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेंगे मून पे आ, जो मून लैंडर है उसको फर्स्ट सर्दन हमारा भी यही प्लान है सर्दन हेमस्फेयर जो है मून का वहाँ पे लैंड करवाना है और ऑर्बिटर चंद्रयान टू का लूनर ऑर्बिट में ऑलरेडी है क्योंकि यहाँ पे जो हमने ऑर्बिटर लैंडर और रोवर भेजा था ऑर्बिटर हमारा सक्सेसफुली रहा सक्सेस रहा था लेकिन लैंडर और रोवर जो थे वो फ़ेल हो गए थे आफ्टर लैंडर क्रैश्ड लैंडेड ऑन लूनर सरफेस क्योंकि हमारा जो लैंडर है वो क्रैश हो गया था ऑर्बिटर जो चंद्रयान का है वो अभी भी लूनर ऑर्बिट में था वो सक्सेसफुली गया था अब लैंडर्स जो आज तक भेजे हैं रशिया ने यूएस ने चाइनीज ने उन्होंने मून के सरफेस को आज तक अच्छे से एक्सप्लोर किया है जो भी वहाँ से सैम्पल्स लाए अभी तक कोई और एजेंसी नहीं गई है सदर्न हेमिसफेयर में इसलिए इसरो का भी यही एम है कि हम फर्स्ट हों जो सदर्न हेमस्फेयर मून में लैंड करें और ये भी जो हमारा 2019 जुलाई में चंद्रयान था उसका एक रेपिटेशन होगा उसी तरीके से, से स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग स्पॉट मून का एक्सपेरिमेंट्स जो हम करने वाले हैं मिशन हमारा वही रहेगा टोटल कॉस्ट चंद्रयान की जो है वो ओवर रुपीज सिक्स हंड्रेड हो होगी और टोटल कॉस्ट आप कंपेयर करेंगे चंद्रयान टू की वो नाइन सिक्सटी थी तो अब थ्री के लिए सिक्स हंड्रेड सेट किया गया है तो लेट्स सी कि इंडिया कब ये करेगा टू uh, में अभी रिसेंटली इन्होंने बोला है कि जल्दी ये इसकी कोशिश करेंगे uh, चंद्रयान को भेजने की तो आई होप कि इंडिया भी जल्दी से सबसे पहले लैंड uh, हो के यहाँ पे हिस्ट्री बनाए और हम फोर्थ नेशन रहें जिसने चंद्रयान थ्री को स्पेस को मून की सतह पर उतारे तो यही था हमारा आज का डिस्कशन जहाँ पर हमने चैंग ई -E से अपनी डिस्कशन शुरू की चाइना का स्पेसक्राफ्ट जो सॉइल सैम्पल्स वापस लेके आया है और बाकी मून मिशंस की बात की जो बाकी कंट्रीज प्लान कर रही हैं राइट तो आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज है एग्ज़ाम के लिए साइंस एंड टेक के हिसाब से कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए थैंक यू सो मच